छोड़ के आगे चंपावत को बढ़ते हुए। मिठाई खरीदेंगे, बहुत टेस्टी होता है उसका। मतलब बात ही चमका भी नहीं तो चाचला मुझे अभी भी ऐसे होता मैं सही बता रहा हूँ। ऊपर से हरिधामी दबंग था बुलाई का सही हुआ वो काम करवाया उसने जितना फायदा होता उठाया। अभी हम लोग हैं देवराड़ी में, लोहा घाट से थोड़ा आगे बढ़ता है। हर 3 महीने में मेरा 10,000 मार्क साहिब जाते होंगे के पास। जगह जगह लगा हुआ है ना, जगह जगह बोर्ड लगे तो जाते होंगे। यहाँ से टनकपुर है 81 किलोमीटर, नानक मत्ता 120, खूना बोहरा से। तो बने रहें आप भी प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, और उत्तराखंड हमारी देवभूमि के सुंदर नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए। व्यू पॉइंट मानेसर सामने दिखाई दे रहा है आपको, चंपावत जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री उसका धामी जी का विधानसभा क्षेत्र है। भी हम लोग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 09 में। ये रोड सीधे जाएगी दिल्ली, देहरादून, पीलीभीत, टनकपुर। अब हम लोग धीरे धीरे आगे चंपावत की ओर बढ़ते हुए, रोड की दोनों ओर हैं देवदार के घने जंगल और बहुत ही सुंदर लोकेशन। आसमान में बादल छाए हुए, यही है उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरे सामने है साल के घने जंगल। आप लोग भी हमारे साथ साथ हमारे ब्लॉग में बने रहें और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाइए। तो चलिए लिए चलते हैं आपको चंपा। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं हुआ।
आस पास गाँव गाँव जा रहे थे, गाँव ना छोटे छोटे गाँव पड़ा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विधानसभा क्षेत्र जनपद चंपावत में। लोहा घाट चंपावत की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है और चंपावत की मिठाई भी बहुत ही मशहूर है। यहाँ तिवारी जी की दुकान में बहुत ही टेस्टी चॉकलेट और बाल मिठाई बनती है जो पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग जाते समय घर के लिए मिठाई खरीद के ले जाएंगे। और यहाँ पे पहाड़ी दाल भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो जब भी आप चंपावत आएँ तो तिवारी जी की मिठाई और पहाड़ी दाल, गहद भट, राजमा और जो भी लोकल दाल होती है यहाँ की वो सारी आपको मिल जाएगी। जब भी पहाड़ से मेरी भतीजी माया और मेरे भाई भांजे लोग हल्द्वानी को आते हैं टनकपुर रोड से होते हुए, तो तिवारी जी की दुकान की मिठाई और पहाड़ी दाल, गहद भट, भांग, ये सब सारी दालें ज़रूर लेके आते हैं। और स्वीट एंड रेस्टोरेंट हम लोग अक्सर यहाँ की चॉकलेट और बाल मिठाई खाते हैं जो बहुत ही स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है। मिठाई लिया। अभी रावत जी गए हैं तिवारी जी की स्वीट शॉप पे। ये है तिवारी स्वीट एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे ताज़ी और स्वादिष्ट बाल मिठाई चॉकलेट बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। हम लोग भी अपने घर के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। और दुकान यहाँ पे से हम पहाड़ी दाल खरीद रहे हैं, गहद भट, भांग, हाँ। यहाँ पे भी तो था ही एक काला घर, ये तो दिख रहा है यहाँ पे बगल में। अब हम लोग मेन चंपावत में प्रवेश कर चुके हैं। ये है यहाँ का मेन चौराहा ही है ना, मेन स्टेशन चंपावत। ये है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विधानसभा क्षेत्र। पूर्णागिरी मंदिर, अच्छा यहाँ से पूर्णागिरी मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर 90 है यहाँ से शाम तक। का रूट कहीं से कटता होगा ना,
है चंपावत डिस्ट्रिक्ट का। चंपावत शहर का व्यू देखिए, बादलों से घिरा हुआ। चंपावत के प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी हमारे सामने है कोतवाली चंपावत। ये है चंपावत की कोतवाली पुलिस लाइन। और धीरे धीरे हम लोग चंपावत के पहाड़ी क्षेत्र से आगे टनकपुर के मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ ब्लॉग में बने रहें। यहाँ से दिल्ली 403 किलोमीटर, देहरादून 402 किलोमीटर। के पास तुलसी भोजनालय में रुके हैं। यहाँ पे हम लोग अभी खाना खा के आगे को बढ़ेंगे। शुद्ध ही है तुलसी भोजनालय में खाना खा के हम आगे को बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आर्मी के तुलसी भोजनालय, हाँ आर्मी के जवान अभी आके खाना खा रहे हैं। हमारे देश के वीर जवान। ये कौन सी नदी है कैलाश?
ये चलती का ना वो क्या कहते हैं बुआ जी, ये वो क्या कहते हैं यार, ये बेल खेत ना, ये वाला जो है ना यहाँ से सारा खनन होता है। अच्छा, हम सारे रेता बजे, रेता बजे से जाते हैं ना। अच्छा, अभी हम लोग हैं सूखी डांग में, यहाँ से यहाँ रेता बजरी का खनन होता है। यहाँ पे सूखी डांग नदी का नाम है ना, ना सूखी डांग जगह का नाम मुरारी बाबू। ये नदी क्या है, इधर से गाड़ आते हैं ना, गाड़ जैसे चौमासी गाड़ भी कहते हैं हम लोग, बरसाती नाला, बरसाती नाला टाइप का वो वाले ये बह के आता होगा ना सामने तक। बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, गाड़ी इसी के ऊपर चलती है, इसी के ऊपर चलती है। अच्छा, रोड लंबा चला है। हाँ, अभी थोड़ी देर में जैकेट उतरने लग जाएगा। अच्छा, ये वाली रोड है ना नीचे नदी के। अंग्रेजों के समय का है, इस पुल का लीजिए आप, ये वाले पुल का नीचे का है शीशा। अच्छा, ये पुल बन गया है यहाँ पर, दो तीन बार ये पुल बन गया है, वैसे का वैसा ही रहा, गाड़ी उसी में चलती है। अच्छा, इस धनुष वाले में और ये अभी बना है, इस बार अब ये सच्चे में हाँ हाँ कौन सी नदी है, सूखी, सूखी ढांग की नदी है, नदी के ऊपर बना हुआ धनुष आकार में। अच्छा, ये पुल है चलती का पुल, ये पुल बना हुआ है अंग्रेजों के जमाने का, जो अभी भी अभी तक टिका हुआ है। अच्छा, ये रोड जाती है श्याम ताल को, श्याम ताल सूखी ढांग में है ना ये, अभी हम लोग हैं सूखी ढांग में। Thank you.
सामने है पूर्णिया के लिए जाने वाला रोड, और अभी हम लोग जा रहे हैं खटीमा। पहाड़ी क्षेत्र समाप्त, मैदानी क्षेत्र। चंपावत के जड़ में पता सामने दिख रही है पुण्य के लिए पहाड़ी, पुण्य के लिए हुआ टनकपुर हाईवे।